हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सीतारामपुर जंक्शन पे हूँ। यहाँ से मैं हावड़ा के लिए ट्रेन लूँगा। ये आसनसोल जंक्शन के पास में ही स्टेशन है जिसका नाम सीतारामपुर जंक्शन है। ये स्टेशन काफ़ी शांत और खाली है, क्राउड काफ़ी कम है। यहाँ से हावड़ा जंक्शन का टिकट 100 रुपया मात्र है और लगभग दूरी 222 किलोमीटर है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं हावड़ा का स्टेशन, हावड़ा ब्रिज, सुबह का और रात में कैसा हावड़ा पुल दिखता है, मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। सीतारामपुर जंक्शन से हावड़ा जंक्शन आने में बाय ट्रेन 4 घंटे का सफ़र रहा और हावड़ा जैसे ही उतरा वहाँ काफ़ी क्राउड था, काफ़ी प्लेटफार्म है तथा यहाँ का स्टेशन काफ़ी पुराना, अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। हावड़ा स्टेशन जैसे ही ट्रेन आई, प्लेटफार्म से उतरकर मैं भूमिगत रास्ते से बाहर निकला। वहाँ बस स्टैंड है, 10-12 बसें खड़ी थी और सामने ही हावड़ा ब्रिज है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, भारत के पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी के ऊपर बना एक कैंटीलीवर सेतु है। यह पुल हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है। इसका मूल नाम नया हावड़ा पुल था, जिसे बदलकर 14 जून 1965 को रविंद्र सेतु कर दिया गया, किंतु अब भी यह हावड़ा ब्रिज के नाम से अधिक जाना जाता है। यह अपने तरह का छठवां सबसे बड़ा पुल है। सामान्यतः प्रत्येक पुल के नीचे खंभे होते हैं जिन पर यह टिका रहता है, परंतु यह एक ऐसा पुल है जो सिर्फ 4 खंभों पर टिका है। 2 खंभे नदी के इस तरफ और 2 खंभे नदी के उस तरफ। सहारे के लिए कोई रस्सी आदि तरह का कोई तार नहीं है। इस दुनिया के अनोखे हजारों टन बजनी इस्पात के गड्ढरों के पुल ने केवल 4 खंभों पर खुद को इस तरह से बैलेंस बनाकर हवा में टिका रखा है कि 80 वर्षों से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। हावड़ा स्टेशन और हावड़ा ब्रिज के बीच की दूरी लगभग 50 से 70 मीटर की दूरी पर है। इस पुल पर लाखों की संख्या में दिन रात भारी वाहन और पैदल भीड़ इससे गुजरती है। अंग्रेजों ने जब इस पुल की कल्पना की तो वे ऐसा पुल बनाना चाहते थे कि नीचे नदी का जलमार्ग न रुके, अतः पुल के नीचे कोई खंभा ना हो, ऊपर पुल बन जाए और नीचे हुगली में पानी के जहाज और नाव बिना किसी रोक टोक के चलते रहें। ये एक झूला अथवा कैंटीलीवर पुल से ही संभव था। जब निर्माण हुआ तो किसी भी स्टील कारखाना या कंपनी द्वारा इस पुल के लिए इतना स्टील सप्लाई करना संभव नहीं था। इस पुल के लिए स्टील सप्लाई करने का जिम्मा फिर टाटा स्टील ने उठाया। इस पुल में अधिकांशतः स्टील टाटा कंपनी का ही लगा हुआ है। एक अफवाह के कारण दिन और रात के 12 बजे कुछ देर के लिए इस पुल को बंद किया जाता है। इतना बड़ा संतुलन में झूलता हुआ पुल होने के बावजूद भी इस पुल में एक भी जगह नट बोल्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। सभी जगह नट बोल्ट के स्थान पर रिबिट्स का प्रयोग किया गया है। इस पुल का निर्माण 1937 से लेकर 1943 तक हुआ। पुल की ऊंचाई लगभग 82 मीटर है। इस सेतु का नाम बंगाली लेखक, कवि, समाज सुधारक गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम पर रखा गया है। इस सेतु के दोनों ओर ही नदी पर 2 अन्य बड़े सेतु भी हैं, जिनका नाम विद्यासागर सेतु और विवेकानंद सेतु है। दोस्तों, कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करती थी। कोलकाता के कुछ तथ्य आपको बता दूं। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने इसे ब्रिटिश शासकों की भारतीय राजधानी बना दी। कुछ इतिहासकार इस शहर की एक बड़े शहर के रूप में स्थापना की शुरुआत 1698 में पोर्ट फिलियम्स की स्थापना से जोड़कर देखते हैं। सन 1912 तक कोलकाता भारत में अंग्रेजों की राजधानी बनी रही। सन 5 अक्टूबर 1865 को समुद्री तूफान, जिसमें 60,000 से ज्यादा लोग मारे गए, इसकी वजह से कोलकाता में बुरी तरह से तबाही होने के बावजूद कोलकाता अधिकांशतः अनियोजित रूप से अगले 150 सालों में बढ़ता रहा और इसकी आबादी लगभग 1,40,00,000 है। कोलकाता 1970 से पहले भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर था, लेकिन इसके बाद मुंबई ने इसकी जगह ली। भारत की आज़ादी के समय 1947 में और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश है, यहाँ से शरणार्थियों की बाढ़ आ गई, जिसने
इस शहर यानी कलकत्ता की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से झकझोर दिया है। हावड़ा ब्रिज के नीचे आपको कई दुकान फुटपाथ पर मिल जाएंगे, जैसे सब्जी के, बेल्ट ओल्ट, स्वीट्स एंड फ्रूट्स के दुकान आपको टोकरी में लगाते हुए लोग दिखेंगे। और काफ़ी साफ सुथरा पुल है, दोनों तरफ से पब्लिक को आने जाने का चौड़ा रोड भी बना हुआ है और बीच में गाड़ियाँ और भारी वाहन आते जाते रहते हैं। ट्रैम इस समय बंद हो चुका है, लॉकडाउन के बाद ट्रैम को गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। हावड़ा ब्रिज को कटीले तारों से बाउंड्री किया गया है ताकि लोग यहां से जंप करके हुगली नदी में न कूदें। काफ़ी लोगों ने कूद कर जान गंवा दी है। हावड़ा ब्रिज की लंबाई लगभग 700 से 800 मीटर है, क्योंकि मैं बाय वॉकिंग इस तरफ से उस तरफ गया हूँ, काफ़ी दूरी कम है। यहाँ की राज्य सरकार की बसें नीली और पीली कलर में दिखने को मिलेंगी और हर मिनट में इस पुल पर 10 से 15 बस क्रॉस होते हैं। अभी मैं हावड़ा ब्रिज से नीचे उतरकर हुगली नदी के किनारे आया हूँ। यहाँ काफ़ी कचरा है, यहाँ पर जो सब्जी बेचने वाले हैं नदी में सब्जी धोते हैं, इसके कारण काफ़ी कचरा हो गया है, जिसके कारण काफ़ी स्मेल आ रही है। नदी के किनारे काफ़ी कम लोग हैं, लगभग 10-12 हैं, और इस समय रात के 11:40 हो रहे हैं। बीच नदी में बड़ी बड़ी नावें चल रही हैं, जिसमें म्यूजिक भी बज रहा है, लग रहा है कोई पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों, दुर्गा पूजा कोलकाता का सबसे महत्वपूर्ण और चकाचौंध वाला उत्सव है। यह त्यौहार प्रायः अक्टूबर के माह में आता है, पर हर चौथे वर्ष सितंबर में भी आ सकता है। इस समय कोलकाता भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य की राजधानी है और भारत के प्रमुख महानगरों में से एक है। प्रशासनिक रूप से यह कोलकाता जिले में स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बांग्लादेश की सीमा से 80 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। यह बंगाल की खाड़ी के शीर्ष तट से 180 किलोमीटर दूर स्थित है। कोलकाता भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर तथा पांचवा सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस शहर का इतिहास प्राचीन है। आज का कोलकाता आधुनिक भारत के इतिहास की कई गथाएं अपने आप में समेटे हुए है। यह नगर भारत के शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के प्रारंभिक केंद्र था। महलों के इस शहरों को आनंद का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के जस्ट नीचे रंग बिरंगे फूलों का मार्केट भी है। यह रात के समय 4 ओपन हो जाता है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।